प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम जय कर बात सत्य है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम एक बार की ऐसी बात है सेठ था जो बहुत ही कंजूस था वह अपना एक रुपया एक भी दाना किसी दूसरे को नहीं देता था आज तक नहीं दिया किसी को अगर कभी कोई उसे कह देता तो उसके ऊपर वह सवार हो जाता इस कारण से वह कभी भी आज तक ना तो कि किसी को दान करता ना तो किसी को खाना खिलाता ना तो कहीं जाता यदि उसे मिल जाता तो ले लेता था, लेने के लिए था लेकिन देने के लिए आदत थी कि हमेशा जो है भुना हुआ चना खाता था भुना हुआ चना पाकिट में रख लेता था और हमेशा जो एक एक दाने दो दो दाने खाया करता था एक बार की बात हुई कि वह जो भुना हुआ चना था उसको खा रहा था और एक चना जब खाया तो एक चना नीचे गिर गया जैसे ही नीचे गिरा तो पास में मुर्गा टहल रहा था मुर्गा दौड़ा उसको खाने के लिए मुर्गा को खाने से पहले उस सेठ ने मुर्गे को भगा दिया और उस एक दाना चना को उसको खाने नहीं दिया और उठा कर अपने मुख में डाल लिया और जैसे ही वह अपने मुख में डालता है वह जो चना का जो दाना रहता है जाके गले में फंस जाता है जब गले में फंसने के बाद वह बहुत खांसता है पानी पीता है लेकिन उसके बावजूद भी वो गले में से चना नहीं निकलता है बहुत कोशिशें करने के बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती परेशानी होने लगती है पास के डॉक्टर के पास मिलता है जब डॉक्टर के पास पास वाले डॉक्टर में जाता है तो डॉक्टर कहता है मेरे बस की बात नहीं है मैं जितना प्रयास करना था प्रयास किया लेकिन अब मेरे बस की बात है तू हॉस्पिटल में जाओ वह बड़े हॉस्पिटल में जाता है जब बड़ा हॉस्पिटल में और डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड करके सीटी स्कैन करके देखता है तो पचा पता चलता है कि उसके श्वास जो नली है श्वास नली में ही चाकर के वह जो चना का दाना फंस गया वह कहता है कि गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा नहीं तो तू मर जाएगा कहता डॉक्टर ठीक है तू कर दे डॉक्टर जो पर्ची बनवाता है कि अगर गले का ऑपरेशन करते वक्त अगर आपकी मृत हो जाती तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं और डॉक्टर एक पर्ची बनाकर उससे सिग्नेचर लेता है कि अगर ऐसी बात हो जाती तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं वो कहता है कि अच्छा ठीक है दी मैं मर भी जाता हूं तो एक बार मैं अपने परिवार से मिला हूं वह बीच में ही आकर के अपने परिवार से मिलने के लिए चला आता है जैसे परिवार से मिलने के लिए आता है तो उस समय दरवाजे पर ही अभी रहता है तो तक अचानक उसे एक जोरदार से छींक आती है और जैसे जोरदार से छींक आती है जो नाक में फंसा हुआ जो दाना था वो बाहर निकल जाता है और वह दाना मुर्गा चूग लेता है तो वह दाना उस मुर्गे के ही नसीब में था लेकिन उस सेठ ने उसको खाने नहीं दिया इसलिए कहा जाता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम आपके जो नसीब में रहेगा जिस वक्त का खाना जहाँ पर लिखा रहेगा जिस जगह पर लिखा रहेगा आपको उस जगह पर घूम फिर के नाचते हुए जाना ही जाना है चाहे तुम कितना भी लाख कोशिशें कर लो जिस जगह का तुम्हारे नसीब में रहेगा आज की रोटी खाने का उसी जगह का तुम खाओगे चाहे वो चिड़िया रहे या चाहे कीड़े रहे चाहे जो कुछ भी रहे हम लोगों के आंगन में कुछ जो है भोजन नुकसान हो जाते अरे भैया वो नुकसान नहीं हुए वह भोजन उस जो नाली में रेंगने वाले कीड़े हैं उन कीड़ों के लिए ही भाग में था उन कीड़ों के भाग में था इसलिए वह वहां पर गया कुछ भोजन जो हम लोग फेंक देते हैं नदी में अरे वह उन मछलियों के लिए था वह उनके नसीब में था कुछ भोजन जो फेंक देते कुत्ते खा लेते अरे भैया जो दाना जो था जिनके नसीब में था वह उनके लिए चला गया यदि तुम कहते हो कि बेकार गया बेकार नहीं जाता जो जिसके भाग्य रहता है उसके भाग्य में चला जाता है इस कारण से तुम व्यर्थ की चिंता बंद करो और अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो जय जय राम जय सियात